हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होगा। दोस्तों, एक कविता आपने बचपन में खूब सुनी होगी कि मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। लेकिन क्या आपको पता है कि पानी के अंदर मछली के अलावा भी एक ऐसा जीव है जिसके बारे में लगातार लोग बात करते हैं? जी हाँ, ये हैं जलपरियां। क्या वाकई में जलपरियां होती हैं? क्या वाकई में जलपरियों को किसी ने देखा है? क्या वाकई में इनसे मिलने की जो कहानियां हैं वो सच हैं? दोस्तों, आज हम आपको इन्हीं के बारे में कुछ ऐसी ऐसी चीजें दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक और धमाकेदार एपिसोड के लिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली कहानी है साउथ अफ्रीका देश की। जी हाँ, ये कंट्री नेचुरली काफी ब्यूटीफुल है। यहाँ पे समुद्र भी है, नदियां भी हैं और यहाँ पर पहाड़ भी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2013 में एक महिला थी यहाँ पे, नाम था मरिया। वो नदी के किनारे घूम रही थी। वो अपने आप को फिट रखने के लिए कसरत कर रही थी, लेकिन अचानक ही एक अजीब सी आवाज उन्हें सुनाई थी। उन्होंने सोचा, न जाने ये किसकी आवाज है। मरिया का कहना था वो इंसान की आवाज की तरह तो लग रही थी, लेकिन वो आवाज इंसान की थी नहीं। उस आवाज की तरफ जब वो आगे बढ़ी तो उन्होंने पाया कि एक जलपरी नदी किनारे लेटी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, मरिया का कहना था कि वो जलपरी बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। शायद वो पानी से दूर हो गई थी और मरिया से मदद मांग रही थी कि दोबारा नदी के पानी में उसे भेज दिया जाए। मरिया ने बताया कि उन्होंने अपने हाथों से इस जलपरी को उठाकर पानी में रखा, जिसके बाद वो वहां से निकल गए। हालांकि मरिया ने यह भी जानकारी दी कि कुछ दिनों बाद वो नदी अचानक ही पूरी तरह से सूख गई थी। अब खैर, ये जलपरी की कहानी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी, ये तो हम आपको नहीं बता सकते। आप इसका अंदाजा खुद लगा लीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नए काम भी फटाफट कर ही लीजिए। दोस्तों, अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है केई आइलैंड इंडोनेशिया की। यहाँ पर कहा जाता है कि अक्सर जलपरियां देखने को मिल जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी से भी पूछ लीजिए इस आइलैंड के बारे में और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जलपरियों के बारे में। यहाँ कहते हैं कि सबसे पहली बार जलपरी जो दिखाई पड़ी थी उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जी हाँ, इंडोनेशिया में जापान की सेना थी, लेकिन 100 से ज्यादा सैनिक के आइलैंड में थे और उनमें से कई का कहना था कि वो रात में समुद्र में कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिन्हें देखने के बाद कोई भी डर जाए। जी हाँ, जैसे इस बात की खबर आई, इतने में एक सैनिक ने यहाँ तक कह दिया कि एक रात उसके ठीक सामने आ गई थी एक जलपरी और उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना था कि ये जलपरी बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसके दांत बहुत ही बड़े और खतरनाक लग रहे थे। दोस्तों, अब इस तरह की चीज जब किसी के सामने आ जाए तो कोई भी डर जाएगा, है कि नहीं दोस्तों? जब इस बारे में यहाँ के लोकल लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये जलपरियां यहाँ तो हमेशा ही देखने को मिलती हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा और आप इस वीडियो को खूब सारा प्यार देंगे। दोस्तों, कम से कम 30,000 लाइक्स तो आने ही चाहिए इस वीडियो पे। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद किसी की भी जान निकल जाए। जी हाँ, ये वीडियो है फ्लोरिडा अमेरिका के। आप देख सकते हैं कि कैसे एक मरमेड मरी हुई पाई गई है। भाई, इसे देखकर कोई भी डर जाए। आप खुद ही देखिए कितनी अजीब सी दिख रही है। ये बहुत ही खतरनाक लग रही है। लंबे लंबे बाल और साथ में इस तरीके का चेहरा। साथ ही दोस्तों, आप ये भी देख सकते हैं कि इनके हाथ हम इंसानों से कितने अलग होते हैं। जब कैमरा लेकर नजदीक जाया गया तो पता चला कि ये कितनी बड़ी होती है। मरमेड के बारे में कहा जाता है कि ये कभी किसी के ऊपर हमला नहीं करती हैं, लेकिन न जाने फ्लोरिडा के बीच पे ये मरी हुई पाई गई। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये वीडियो रियल भी है या फेक है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कई लोग अपने आप को पॉपुलर करने के लिए फेक वीडियोस बना देते हैं। इसे देखकर कोई भी वाकई में सोचने पे विवश हो जाए, है कि नहीं दोस्तों? दुनिया में कैसे कैसे जीव हैं ये किसी को पता नहीं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक बार न्यूजीलैंड में क्या हुआ था? जी हाँ, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाले हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के लोगों में फिश खाने की बहुत अच्छी प्रथा है। फिश खाने के लिए आपको फिश पकड़ने जाना भी पड़ता है। बिल दोस्तों, बात यहीं से शुरू हुई थी। जैसे ही कुछ मछुआरे न्यूजीलैंड के कोस्ट पे मछली को पकड़ने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि कोई अजीब सा जीव समुद्र के ऊपर पड़ा हुआ है। जी हाँ, जब नजदीक जाकर देखा गया तो पाया गया कि ये मछली की तरह दिखने वाला जीव कुछ और नहीं बल्कि ये जलपरियां ही थीं। कहा जाता है कि आज भी कई जगह देखी जाती हैं। ये आज भी कई आइलैंड्स में कभी कभी ऐसे ही नजर आ जाते हैं। हालांकि जब न्यूजीलैंड में ये पहली बार मछुआरों को देखी तो वो काफी डर गए थे। दोस्तों, अब जो हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं वो तस्वीरें हैं स्पेन से। जी हाँ, यहाँ के समुद्री तट पे 2 से 3 लड़के घूम रहे थे कि अचानक उन्हें कुछ ऐसा दिखा कि वो चौंक गए। जी हाँ, ये देखिए, 2 पत्थरों के बीच में कैसे एक लड़की जैसे दिखने वाली चीज सो रही थी। इन लड़कों को लगा कि कोई लहरों के बीच में कैसे सो सकता है।
जब इनके मन में शक हुआ ये गौर से देखने लगे। दोस्तों पता चला कि ये तो कुछ और ही चीज थी। जी हाँ, ये थी मरमेड, एक ऐसी चीज जो कि आधी लड़की की तरह होती है और आधी मछली की तरह। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही जलपरी को लगा कि किसी की नजर उनके ऊपर पड़ी है, वो वहां से निकल गए। लेकिन दोस्तों इनकी पहचान भी हो ही गई। जी हाँ, आप यहाँ देखिए कैसे ये पत्थर पे लेटी हुई थी और कैसे वहां से गोली हो गई। वाकई में ये बहुत ही अजीब सी घटना थी। अब आप ही बताइए कि इस घटना को देखने के बाद कोई कहेगा कि ये असली नहीं है? क्या आपने कभी सोचा था कि मरमेड इस तरह से कैमरे में कैद हो जाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इसी तरह की एक और घटना हमें देखने को मिली थी स्कॉटलैंड में। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ पे 1965 के आसपास बहुत सारी जलपरियों के देखे जाने की खबरें आने लगी। कहा जाता है कि यहाँ आज भी बहुत सारी जलपरियों की कहानी लोग सुनाते रहते हैं। कहते हैं कि समुद्र में जलपरी कई बार लोगों को दिख चुकी है। ऐसी ही घटना तब हुई थी जब एक महिला यहाँ समुद्र में नहाने के लिए गई। जी हाँ, उसके बाद वो घबरा कर अचानक से बाहर की तरफ भागी। सबने कहा कि भाई बात क्या हुई, आप क्यों इतनी बुरी तरह डरी हुई लग रही हैं? तो उनका कहना था कि जब वो समुद्र में नहाने के लिए गई थी तब उन्होंने अचानक देखा कि एक लड़की जो कि बहुत ही अजीब दिख रही थी वो उनकी तरफ आने लगी। उस औरत ने बताया कि जब उसने नजदीक से देखा तो वो बहुत डर गई क्योंकि वो आधी लड़की और आधी मछली थी। आप समझ सकते हैं कि उस औरत ने भी एक जलपरी को ही देखा होगा। कुछ लोग बहुत लकी होते हैं जो कि जलपरियों को देख पाते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी समाप्त यही नहीं हुई। कहते हैं कि जब लोगों को महिला ने बताया कि उसके दांत बहुत बड़े थे और वो उसकी तरफ आ रही थी, ऐसे में लोगों ने समुद्र में पत्थर मारना शुरू कर दिया। दोस्तों जलपरी वहीं थी और अचानक ही सबने देखा कि जलपरी को बहुत बुरी तरह से चोट लग गई थी। कुछ दिनों बाद वहीं उस जलपरी की लाश भी मिली। अब सोचिए कि कितनी अजीब सी बात थी। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर जो कि इंटरनेट पे कुछ साल पहले बहुत वायरल हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यह है 6 मार्च 2013 की तस्वीर। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो लोग रात के अंधेरे में समुद्र के बीचों बीच कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन आप अपनी नजर उस लड़के पे बना के रखिए जो कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये अचानक ही एक हाथ जाकर लगती है उस लड़के के हाथ पे। ये देखिए आप फिर से। आपको बता दूं, कहा जाता है कि ये मरमेड के होने का सबसे बड़ा सबूत है। वाकई में जिस तरीके से हाथ लगाए कोई भी डर जाए, किसी के भी पसीने छूट जाए। ये भी बहुत ही शॉकिंग वीडियो है। सबसे अजीब सी बात तो यह है कि कहते हैं इस घटना के बाद ये दोनों ही बहुत बीमार हो गए। क्या वाकई में मरमेड हमारे बीच होते हैं? क्या वाकई में इनके होने की जो बातें बीच बीच में आती रहती हैं वो सच हैं? हम सबको इस पर रिसर्च करने की जरूरत है। जी हाँ, आज भी ये जलपरियां हमारे बीच है ऐसा लगता है। वो अलग बात है कि ये दिखते बहुत कम है। दोस्तों आप खुद ही बताइए ना कि जो तस्वीरें अभी रिकॉर्ड हुई हैं क्या वो सारी फेक हैं? लोगों का दावा हालांकि ये है कि ये रियल वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर जो कि बहुत हद तक साफ कर देगी कि मरमेड्स भी इस दुनिया का हिस्सा हैं। आपको यकीन नहीं होगा जो आप देखने जा रहे हैं उसके ऊपर। जी हाँ, ये देखिए कैसे यहाँ पे ब्रिटिश कोस्ट गार्ड के जवान समुद्र में बोट से जा रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एक भयानक रात है। वो बस अपना काम करते जा रहे हैं। समुद्र में लहरें तेज हैं और दोस्तों आप नजर बनाकर रखिएगा उस कोस्ट गार्ड के जवान के ऊपर जो दाईं ओर है। देखिए कैसे वो अचानक से जब जा रहे थे एक अजीब सी चीज उनके सामने आ गई। अब ये है क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि आप देख सकते हैं कि कितनी अजीब सी बड़ी सी चीज थी, लेकिन जो कोस्ट गार्ड के जवान थे उनका कहना था कि ये कुछ और नहीं बल्कि मरमेड ही थे। चूंकि उन्होंने काफी नजदीक से देखा था इस चीज को तो वो अच्छे से बता सकते थे। ये देखिए दोस्तों, स्लो मोशन में साफ साफ पता चल रहा है कि ये तो मरमेड ही है। जो लोग ये कहते हैं कि ये इस दुनिया का हिस्सा नहीं है उनसे जरूर पूछना चाहिए कि अगर ये सारी बातें झूठी हैं तो बार बार मरमेड कैसे किसी भी देश में दिख जाती है। इस बात से एक बात तो प्रूव हो ही जाती है कि आज भी ये हमारे बीच में है। समुद्र में एक के बाद एक अगर इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं तो इसके पीछे कुछ तो बात होगी ही, है कि नहीं दोस्तों? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोज बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।